सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की टीम बेटियों को बचाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के चलते सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गन्नौर के गढ़ी झंझारा रोड स्थित साईं मेडिकल स्टोर और छोकर क्लिनिक पर छापेमारी कर गर्भपात की दवाई बेचने वाले 3 आरोपियों को काबू किया है। जानकारी देते हुए डॉक्टर अनविता कौशिक ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गढ़ी झंझारा रोड पर छोकर क्लिनिक और साईं मेडिकल नाम से स्टोर है, जहां पर गर्भपात की दवाई खुलेआम बेची जा रही है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर क्लिनिक पर भेजा, जहां महिला से क्लिनिक संचालक द्वारा किट के बदले 1,000 रुपए मांग की गई। इसके बाद विभाग ने महिला को 1,000 रुपए देकर क्लिनिक पर भेजा और उन पैसों का नंबर पहले ही विभाग ने नोट कर लिया था। जब महिला क्लिनिक पर पहुंची तो संचालक ने पैसे लेकर महिला को बैठने के लिए कहा और मेडिकल स्टोर से गर्भपात की किट लेकर आया। जैसे ही महिला ने बाहर खड़ी विभाग की टीम को इशारा किया तो टीम ने मौके से क्लिनिक संचालक के पिता जमील को गर्भपात की किट की एवज में दिए गए 500 रुपए सहित काबू कर लिया। वहीं विभाग ने क्लिनिक से अवैध रूप से बेची जा रही इंजेक्शन और दवाइयां भी बरामद की हैं। विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया है। सिविल सर्जन सोनीपत को एक गुप्त सूचना मिली थी कि गन्नौर में जो अनऑथराइज प्रैक्टिशनर हैं, वो इलीगली एमटीपी किट को बेचते हैं, पेशेंट्स को देते हैं। तो इस सूचना के आधार पर सिविल सर्जन ने एक टीम गठित की। हमने एक डिकॉय केस तैयार किया और क्योंकि डील हमारी 1,000 रुपये में फिक्स हुई थी तो हमने 1,000 रुपये अरेंज करे और उन नोट्स के हमने नंबर नोट कर लिए थे, लिस्ट जो कि बकायदा सीएमओ सर ने साइन की हुई है। वो लेके हम सोनीपत आए और ये एक छोकर क्लिनिक है, इसमें हमारा जो डिकॉय केस था वो गया और उन्होंने 1,000 रुपये वहाँ उनसे लेके और उनको अपनी क्लिनिक में बिठाया और वो कहीं से एमटीपी किट लेने गए। टीम बाहर तैनात थी, नज़र रखे हुए थी। टीम ने जमील छोकर को फॉलो किया और पास में ही जो साई मेडिकल स्टोर है, जमील वहां पे गए और कुछ टाइम बाद वापस आ गए। वापस आके उन्होंने हमारे ग्राहक को बोला कि अभी आप बैठो, मेडिकल ये एमटीपी किट अरेंज करने में कुछ वक्त लगेगा। कुछ समय बाद जब हमारा केस डिकॉय केस बाहर आया, उसने हमें इशारा किया कि उसको किट मिल गई है। टीम अंदर चली गई। जमील छोकर ने पहले प्रिटेंड किया कि वो मरीज हैं, फिर वो मान गए कि मैं ये मेरे बेटे की क्लिनिक है, वो बीएमएस डॉक्टर है, वहाँ कोई डिग्री नहीं लगी हुई थी, दवाइयाँ वहाँ पे थी, आईवी फ्लूइड था। और उन्होंने ये भी कबूला कि उन्होंने पैसे लिए हैं और वो साई मेडिकल स्टोर पे जिसके ओनर अंकित हैं वहाँ से एमटीपी किट लेने गए थे, परंतु अंकित वहाँ नहीं था। उन्होंने फोन पे बात करी और अंकित ने कहा कि वो कुछ समय में उनको एमटीपी किट अरेंज कर देगा। कुछ समय बाद साई मेडिकल स्टोर पे ही काम करने वाला लड़का शुभम छोकर क्लिनिक पे आया और एमटीपी किट वहां दे गया, जो कि हमारे ग्राहक को दे दी गई थी। जब हमने जमील साहब की तलाशी ली और वहां पे क्लिनिक की भी तलाशी ली तो 500 रुपए जो हमने अपने डिकॉय मनी में भेजे थे, जिसका नंबर हमारे पास नोटेड था, वो जमील छोकर के पास मिले, जो कि एविडेंट है कि उन्होंने हमारे डिकॉय केस से पैसे एमटीपी किट के लिए लिए थे। बाकी का जो सामान इनकी क्लिनिक से बरामद हुआ है, अब इनके बेटे जो ये बता रहे हैं कवर अली, वो बीएमएस हैं या नहीं है, कोई डिग्री नहीं थी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी जो वहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन मिली हैं और जो आईवी फ्लूइड मिला है, ओपन इंजेक्शन मिले हैं, वो हमने सब जब्त कर लिया। मैम, इनके पास जो क्लिनिक पे आपने छापेमारी की और मेडिकल स्टोर पे, किसी तरह का कोई लाइसेंस मिला इनके पास? जो हमारी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर आए थे, वो उसको सील कर गए हैं, इसकी जानकारी वो आपको दे सकते हैं। क्लिनिक का मैंने आपको बता दिया कि जमील साहब कह रहे हैं कि उनका बेटा बीएमएस डॉक्टर है, परंतु वहाँ कोई डिग्री नहीं लगी हुई थी। मैम, आरोपियों ने बताया कितने आपने इसमें काबू किए हैं और ये कहाँ से किट लेकर आते थे, कहाँ भेजते थे? किट तो देखो, जमील साहब को जब हमने फॉलो किया तो वो साई मेडिकल स्टोर पे गए, जहाँ पे और किट तो बरामद नहीं हुई है जो मुझे जानकारी मिली है। और जो उनकी जो मेडिकल स्टोर पे जो काम करता है लड़का, उसने इस बात की पुष्टि की है कि साई मेडिकल स्टोर के मालिक अंकित ने उसे किट दी थी कि जाके तुम जमील छोकर को उसकी क्लिनिक पे दे आओ। मैम, कितने लोगों को इसमें पकड़ा और क्या पुलिस को शिकायत की? इसमें फिलहाल 3 लोग हैं, जमील छोकर, अंकित जो कि साई मेडिकल स्टोर के ओनर हैं, और शुभम।